अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशन चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशन चैनल। जी ये है बिजनेस डायरेक्ट आईकॉम पार्ट टू, ठीक है, जो कुछ दिनों पहले हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने मीट और मीन के ग्रुप डाटा के आपको दो जो है तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। तो चलते हैं आगे। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इसके नीचे मेरे पास के बड़ा 3.42 में लिखा हुआ, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मीन निकालना है। अब देखें सिंपल सी बात है, उसने आपको एक्स भी दे दिया एफ भी दे दिया, तो आपके जहन में एक ही फार्मूला आता होगा जो हमने निकालना है, और वो कौन सा फार्मूला है? वो आपके पास है डायरेक्ट मेथड का, यानी एक्स बार समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। आपने क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल करना और उसमें पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह नीचे भी आ जाएगी, सारे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा करेंगे ना तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं होता, तैयारी इसी तरीके से करनी है। 3.13 में है, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आपको दे दिया गया और आपसे क्या है, मीन निकालना है। अब देखिए मीन निकालना है, अब उसे कोई पूछा ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डी वाला भी कर सकते हैं और यू वाला भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप हमें कहें, हम आपको भी सॉल्व करके दिखा देंगे। अब आ जाए 3.14 पे, ठीक है, तकरीबन बहुत सारे सवाल आती होती है लेकिन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। आप एक क्वेश्चन में पकड़ के सारे फार्मूले अप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्या दिया हुआ समझे, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा डायरेक्ट मेथड से भी आप निकाल लेंगे अब, क्योंकि आपको पता चल गया होगा, इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाल लेंगे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये आज आपको करवा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं, ये 3.14 है जी। यहाँ पर मेरे पास क्या दिए हुए हैं, मार्क्स, और ये स्टार्ट हो रहा है 3:39। इसमें ये चीज़ है मीन मोड मीडियन, अगर आप उसके फॉर्मूले आ जाते हैं तो सवाल तो आपके लिए समझे कि इजी बस जल्दी से हल हो जाएगा। और 70 से 79, उसके बाद है 80 से 89 और 90 से 99। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसने हमें दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपने एग्जाम से देख कर आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तादाद कितनी है, क्या है, 3 है 1 है 3 है 11 है 21 है 43 है 32 है और 9 है। अभी अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको दिखाते हैं ताकि किसी के पास नहीं है तो वो भी यहाँ से इजी कर लें। ये देखिए क्लियर। अच्छा क्या फाइंड करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का फार्मूला पहले बताते हैं, ए प्लस समेशन एफ यू समेशन एफ और मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है, यही था, एच की जगह हमने कहा था आप सी लिख लेंगे, इस जगह पे सी करवाते हैं, है वही है, इसका मतलब होता है इंटरवल। अब देखिए ए अगर मुझे फाइंड करना है, ए मुझे चाहिए, ए मैंने आपको बताया था कोई भी रकम जो हम फर्ज करते हैं कहाँ से, एक्स से। अब मेरे पास ये चीज़ें बनी तो नहीं है लेकिन मेरे पास एक्स नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसे उर्दू में आप कहते हैं दरमियानी कीमत। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले बताया अगर दोबारा एक दफ़ा बता देते हैं, एक्स की वैल्यू जिसे उर्दू में कहते हैं दरमियानी कीमत, इसको निकालने का तरीका क्या, पहले एक प्रोसीजर आपको बता देते हैं। ये देखें ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 2 है, 30 प्लस 39, इन दोनों को आपने प्लस करना है और प्लस करने के बाद क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है, बल्कि आप एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये लीजिए 34.5। मेरा यहाँ बटन में आ रहा है क्योंकि वो सेटिंग तो चेंज हुई है, आपको तो सिंपल इजी निकल ही आएगा 3.34.5। इसी तरह बारी बारी आपने सब इस रकम को करना है तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अगले का मेरे पास है 44.5 54.5 64.5 74.5, ठीक है, 84.5 और 94.5। अब ये देख लें तरतीब से हो गया। अच्छा अब मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल आई, अब हम इजी जो है यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यू का मैंने पहले बताया था आपको, यू का फार्मूला क्या होता है निकालने का, ये एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या है, एच है, वही फार्मूला, थोड़ा सा बस उसमें अब क्या आ गया, ग्रुप डाटा में हम कर रहे हैं, एच है, एक्स की वैल्यू दी है आपको, ठीक है, ए इनमें से आप कोई वैल्यू फर्ज कर लें, इसमें से कोई वैल्यू फर्ज करें, चले मैंने ये वाली फर्ज कर लिया 64.5, जब आप फर्ज कर लेंगे तो आपने एक जगह ये लिखना है, ठीक है, और इंटरवल कितने का आ रहा है बीच में,
इंटरवल अगर आप देखें तो सबके बीच में कितने का इंटरवल आ रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, 10 का आ रहा है। वो कैसे मैंने फाइंड किया, इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस किया तो आपका कितने का इंटरवल आ रहा है, 10 का। और इस एच की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू बारी बारी इस वैल्यू से क्या होगी, माइनस होगी, और माइनस होने के बाद क्या होगी, 10 पे डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 34.5 को मैंने माइनस किया 64.5 से, और जो आंसर आया उसको मैंने 10 पे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया -3। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेटर से कर लिया, बारी बारी आप कर लेना। ठीक है, फिर -2 बल्कि साथ ही पकड़ें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, -1 फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, देखिए आपको बता दें मैंने ये वैल्यू वाई फर्स्ट की है 64.5। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरी ही वैल्यू आई है। लेकिन अगर आप 64.5 पर आपकी और वैल्यू करते हैं अजूम, ठीक है, यानी फर्स्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आंसर ये वैल्यूज तो आपकी दूसरी आएंगी लेकिन आपका आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे पास यू भी निकला है, अब मुझे क्या चाहिए फार्मूले के मुताबिक, मुझे एफ यू चाहिए। क्या चाहिए, एफ यू। ये देखिए ये यू है मेरे पास, ठीक है, और एफ मेरे पास ये मौजूद है। मैंने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3। ठीक है, ये ऊपर वाला है, ध्यान से इसको नीचे ना लिख लेना कि कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि इंटरवल का ही था। उसके बाद आगे 2 को आपने 3 से किया तो आपके पास ये आ जाएगा -6। माइनस के नामों का ध्यान रखना। उसके बाद है -11 है, उसके बाद क्या है, ये कि ऊपर नीचे ना आ जाए इसलिए आपको बार बार गया है। -11 के बाद है 0 है, 0 के बाद है 43, 64 और 27। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए तरीके से। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, x का टोटल करना है। एफ का टोटल मैंने किया तो एफ का टोटल करना है आपने, एफ का। ठीक है, एफ का टोटल जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 120। ठीक है, कैलकुलेटर साथ पकड़ लें ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद मुझे यू का भी नहीं चाहिए, मुझे एक्स का टोटल भी नहीं चाहिए, मुझे एफ यू का क्या चाहिए, टोटल चाहिए। किसका टोटल चाहिए, मुझे एफ यू का टोटल चाहिए। ये है जी समेशन एफ यू का, मैंने टोटल किया तो मेरे पास क्या आ गया है, 114। ठीक है, ये देखें इस बार सवाल आपको दिखा देते हैं, बाकी इस तरह सीक्वेंस से देखते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पर मैंने यू की वैल्यू निकाली, और यहाँ पर मैंने जो है एफ यू की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एज सिंपल तरीके से क्या करना है, उसको हमने पुट करना है इसमें यू के फार्मूले में। ये उम्मीद आप उतार लिया होगा, इसको मैं ऊपर से जो है रेज कर लूँ। ये देखें एक्स बार ए प्लस, ठीक है, एक्स बार ए प्लस समेशन एफ यू समेशन एफ एच। ए मैंने क्या फर्स्ट किया था, 64.5, और मेरा एफ यू का टोटल क्या आया है, 114। ठीक है, 114 आया, और मेरा एफ का टोटल क्या आया है, 120। इंटरवल मेरे पास कितना है, 10 का। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 114 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 1140 120 प्लस 64। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड 120। ठीक है, 120 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है, हाँ जी, 9.5, और प्लस 64.5 को आपने ऐड किया, हाँ जी, ये देखिए 9.5 प्लस 64.5 तो आंसर आपका आ गया 74। ठीक है, यहाँ से अच्छी तरह से देखने कोई मसला हो तो बताएं। अच्छा, बहुत इसी तरीके से करवाया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि करना कैसे है। हमने ईजी वे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट को ना ईजी जो है क्लैरिफाई हो जाए। चलिए जी, अब आपके तीन मेथड हो गए हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और कोडिंग मेथड, तो आज हमने आपको करवा दिया है। अब अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए। अब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो इजी आप उसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें रटे रुके कोई नहीं लगते। एक दफ़ा आपको पता चल गया कि फार्मूले कैसे निकालना है फिर इसका, तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो आगे जहाँ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कोशिश ये है कि पेपर से पहले पहले ना आपका हर चीज़ जो है करवा दी जाए ताकि आप इजी जो है ना उसकी प्रैक्टिस करें। घर में जो क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं उस से ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें तो ईजिली आपका जो है तैयार हो जाएगा। वैसे भी स्टार्ट में नंबर भी ज़्यादा आते हैं, वो सवाल भी ईजी सॉल्व हो जाते हैं।
अच्छा ये हो गया था, नीचे आ गया। क्या लिखा हुआ है? फॉरिन डाटा इंडिकेट डेली इनकम ऑफ वर्कर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट है। ठीक है, आपको इनकम दी है वर्कर्स, इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वर्कर को आपको बताते हैं। ये वर्कर खाली लिखा हुआ, आपने घबराना नहीं, असल में ये आपका एफ होता है। ठीक है, एफ यानी तादाद दी होती है कि इतने जो वर्कर काम कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ इनकम। आपने इनकम निकालनी है, किसकी मीन निकालनी है इनकम की। लेकिन यहाँ पे देख ले, उसने आपको कोई मेथड नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है आप कोई वर्सी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। अब देखिए आगे क्वेश्चंस में आ जाए, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द कोई फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब ये भी बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताते चलें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये कन्फ्यूजन ना हो आपकी। ये देखिए आपको दो तीन स्टेप बता देते हैं। ये मेरे पास सवाल पड़ा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ उसने, देखिए टेम्परेचर में उसने क्या शो किया हुआ है, यहाँ देखिए -3 टू -20। अब ये सारी रो आपकी ऐसी चल रही है, अब छोड़ गए माइनस लग गया, क्या करेंगे? क्योंकि अब जब आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसका फार्मूला तो आपके पास यही है ना, एफ एक्स। जो भी ज़्यादा तो स्टूडेंट एक्स तो मुझे चाहिए, एक्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अब आपको मैं तरीका बता दूँ कैसे करना है। ये देखें, अक्सर मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप मेन उसकी दरमियानी कीमत निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट करें दो वैल्यूज को प्लस करते हैं, टू पे डिवाइड करते हैं। इसका भी ऐसे है, लेकिन देखें -30 लिखा हुआ है, बीच में प्लस की अलामत होती है ना, देखें बीच में प्लस की अलामत होती है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। तो आपने क्या करना है, -20 डिवाइडेड बाई 2। आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें -30 प्लस माइनस -20, ठीक है 2। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं। इन दोनों को मैंने माइनस माइनस को प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 50। अब 50 को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आएगा, -25। यानी माइनस का साइन आपके साथ जरूर लगेगा, कल आप प्लस ही रहे हैं, कल आप प्लस ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी माइनस है, जो माइनस का रूप जाता है प्लस माइनस माइनस, उस हिसाब से आपने ये क्वेश्चन करना है। ये सेम वैसे ही प्रोसीजर से करना है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी तरीका है। इसको आप हल करें, हल करने के भी बताएं कि आपको समझ आ गई है, अगर नहीं भी समझ आए तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको ये सवाल भी आपको हल करके दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है। देखिए चैप्टर में सिर्फ 3-4 कुछ सवाल करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के साथ साथ समझें। ठीक है, अब मेरे पास है 13.17 क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन डैट यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 87 और डिवाइडेड बाई 5 फॉर थीमेटिक मीन बाई यूजिंग मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन एंड डायरेक्ट मेथड। अच्छा आप देखें, दो तरीक़ों से आपने फाइंड करना है इस सवालों को, दो तरीक़ों से फाइंड करना है, बहुत इजी तरीके से, आपको मसला ही होगा कि कैसे करना है। अब निकालने का तरीका क्या है, अब देखें यू भी दिया और आपको एफ भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है और आपको एफ भी दिया हुआ है। जो सिंपल आप फार्मूले पुट करेंगे, क्या करना है, आपने एफ यू को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस वाले फार्मूले में पुट कर देना। ठीक, इस वाले फार्मूले में पुट कर देना आपको। अब रही बात दूसरी, उसने पूछा डायरेक्ट मेथड में, ठीक है यू की तो कंडीशन पूरी हो गई है, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मेरे पास जो एक्स की वैल्यू नहीं है, और जब अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं है तो मैंने डायरेक्ट मेथड को कैसे फाइंड करना है, तो ये चीज़ अब हम करें। हाँ तो अभी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मेरे पास अगर आप गौर से देखें, उसने एक चीज़ दी है आपको, गौर से ज़रा देखें, उसने आपको ये दे दिया यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 87 और डिवाइडेड बाई 5। अब देखें इसमें एक्स तो दिया नहीं, वक्त से क्वेश्चन आते हैं बच्चे घबरा जाते थे, एक्स तो दिया ही नहीं हुआ तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यू भी तो निकल गई है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में हमें तो एक्स चाहिए होता है, क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला आपका ये वाला से चलता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, मुझे इसके लिए अब एक्स चाहिए, एक्स आएगा तो फिर एफ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मेरे पास जो एफ तो मौजूद है। अब देखें, अब अगर कभी आपको क्वेश्चन में एक्स ना दिया हो तो उसके निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है, उसने आपको यू दे देना बस, सिंपल। अब आपने इस चीज़ पर नजर रखना है, ये देखें आपको बता रहे हैं, गौर से देख लें, ये देखें ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें 5u इज इक्वल टू एक्स माइनस 87। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, एक्स को आप इधर ही पढ़ रहे दें, एक्स को आप इधर ही पढ़ रहे दें, एफ यू इधर है, ठीक है, इसको उठा के वहाँ ले जाइए माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एफ यू प्लस 87 इज इक्वल टू एक्स, मैंने क्या करना है, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स इधर है 87 प्लस 5u, ये देखिए मेरे पास अब इक्वेशन निकली है, आप कहेंगे इस इक्वेशन तो निकली है, एक्स की वैल्यू थोड़ी निकली है। अब इसी क्वेश्चन से हमने एक्स की वैल्यू बारी बारी निकालनी है,
अब आपको बारी बारी बताते हैं, बहुत ही इजी वे है, आप लोगों ने क्वेश्चन करना है और फिर मुझे बताना है कि समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। अगर नहीं आए दोबारा फिर इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक्स आपने निकालना है, कैसे, इस क्वेश्चन को बीच में मैंने लिख दिया 87 प्लस 5u, अपनी सहूलत के लिए आप इसके गेट पे क्रिकेट भी लगा लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब बारी बारी कैसे करेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू से निकालना है, 87 तो आपके पास आएगा, ठीक है, 5 भी आपके पास ही आएगा। अब u की वैल्यू से आपको दी है ना, u की वैल्यू से आपको दी हुई है, पहली कौन सी है, -3, क्या दिया हुआ, -3। ये देखिए यू की जगह मैंने -3 लगा दिया, ठीक है, 87 प्लस माइनस -15, माइनस किया तो मेरे पास 72 आ गया। इसी तरह बारी बारी आपने यू की वैल्यू यहाँ पर लगाते जाना है, ठीक है, और उसमें प्लस करते जाना है 87, तो आपके पास जो है सारी जो है एक्स की वैल्यूज निकल आएंगी बहुत इजी तरीके से। इस इक्वेशन को रखना है, फिर बता रहे हैं आपको, अच्छी तरह से देख लें क्या करना है कि 87 तो आपके पास वैसे लिखा जाएगा fu, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर u की कितनी वैल्यूज दी है, यहाँ पर मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यू है, इसका मतलब है कि मुझे 10 वैल्यू x की भी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन बना दिया आपके, आपने बारी बारी इसके अंदर क्या करना है, इस u के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद आप लोगों ने सारी वैल्यू निकाल लेंगी एक्स की, फिर इसलिए जो है ना आप डायरेक्ट मेथड को निकाल सकेंगे। लेकिन आपको करने की जरूरत इतना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा, आप बस इस क्वेश्चन वाली पहली को शो करवाते हैं, बाकी आप इसको कैलकुलेट से करें और सिर्फ इसकी अमाउंट लिखते जाएँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। तो आज आपको जितना कराया है तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ फिर बाकी थोड़ा ही रह गया है। अब आपका रह गया मेन, अगर आपका क्लियर हो गया, मीडियन और मोड रह गया, वो भी कोई उतना खास नहीं है, थोड़ा सा बाकी जो उसने क्वेश्चन किए वो सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हमें। तो ये इंशाल्लाह 2 दिन तक ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम जो चैप्टर हैं वो हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर का, जो मतलब जो एग्ज़ाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट हैं, आपको सिलेबस कम होता है, आपको हम जल्दी कवर करा देंगे, तो आपको टेंशन ही लेनी, बस आप लोगों ने हमारी वीडियो के साथ बने रहना है, क्योंकि जब हमारी वीडियो के साथ बने रहेंगे तो ईजी आपकी तैयारी हो जाएगी। और कोशिश ये करेंगे साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, यानी हर चैप्टर के अख्ताम पर अकाउंटिंग के भी बस लेक्चर आने वाले हैं, तो आप बस वेट करें, ठीक है, हिम्मत ना आ रहे हो, साथ साथ मेहनत करते जाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, ठीक है, क्योंकि लाइक करने के तो पैसे नहीं लगते, आप उसको लाइक कर दिया करें, ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी करें। जितने भी स्टूडेंट हमें इस वक्त देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कभी हमारी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।